अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब्स, एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों बजट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, इसमें डेट्स वगैरह बदलती रहती हैं, लेकिन अब एक और डेट आई है जिसमें फैसला कर लिया गया है कि किस डेट को बजट पेश होगा। ये अब बजट जो है ये कन्फर्म हो चुका है कि ये 25 मई को पेश नहीं होगा। ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि कब पेश होगा, मगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वफाकी बजट बराए माली साल 2019-20 का ऐलान हुकूमती हलकों की तरफ से बताई गई तारीख 25 मई को नहीं हो सकेगा, बल्कि बजट के ऐलान से पहले की तैयारियां 31 मई तक भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। बावसूख जरियों से रोजनामा जंग को पता चला है कि पीटीआई हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता सालाना वफाकी बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते में कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है, और इसके लिए 10 जून की तारीख तजवीज़ की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ईद उल फितर की तातीलात के बाद पीर 10 जून को वफाकी कबीना माली साल 2019-20 के वफाकी बजट की मंजूरी दे सकती है। ये इजलास रिवायत के मुताबिक सुबह की बजाय तीसरे पहर नमाज ज़ोर या नमाज असर के करीब बुलाया जा सकेगा। वफाकी बजट की टैक्स तजावीज़ के मुसवदे की वफाकी काबीना जो मंजूरी देगी, वो वज़ीर आज़म आफिस के काबीना का इजलास ख़त्म होते ही मुतलका मुशीर ख़जाना रेवन्यू इक्तसादी उमूर डॉक्टर हफीज़ शेख कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इनकी बजट तकरीर मुल्क भर के निजी सरकारी टीवी चैनल और रेडियो पाकिस्तान पर बराह रास्त टेलीकास्ट और बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन कि वफाकी बजट का 10 जून को होगा ऐलान, 25 मई को नहीं। उम्मीद आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।